दोस्तों, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के चीफ साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की तेहरान के पास गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के लिए ईरान के विदेश मंत्री ने इसराइल पर आरोप लगाया है। मोहसिन फखरीजादे की हत्या का आरोप इसराइल की कुख्यात खुफिया एजेंसी मोसाद पर लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के वैज्ञानिकों को पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। तब भी उन हत्याओं का आरोप मोसाद पर लगा था। इतना ही नहीं, 2018 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के दस्तावेज चोरी कर इसराइल पहुंचाने के पीछे भी मोसाद का हाथ बताया जाता है। दरअसल मोसाद पिछले काफी समय से अपने खुफिया मिशन के लिए कुख्यात रह चुकी है। मोसाद को दुनिया की एक सबसे तेज खुफिया एजेंसी माना जाता है, ऐसी खुफिया एजेंसी जो अपना निशाना नहीं चूकती है। मोसाद ने कई ऐसे मिशन को अंजाम दिया है जिसको सोचकर इंसान सिहर जाए। मोसाद का सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। यही कारण है कि अमेरिका और भारत समेत दुनिया की कई खुफिया एजेंसियां मोसाद के साथ मिलकर ट्रेनिंग और कई सीक्रेट मिशंस को अंजाम देती हैं। भारत तो अपनी खुफिया एजेंसी में काम करने वाले अधिकारियों की ट्रेनिंग तक इजरायली खुफिया एजेंसी के साथ करवाता है। मोसाद की स्थापना 13 दिसंबर 1949 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की सलाह के बाद की गई थी। डेविड बेन गुरियन चाहते थे कि एक केंद्रीय इकाई बनाई जाए जो मौजूदा सिक्योरिटी सेवाओं, सेना के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, आंतरिक सुरक्षा सेवा और विदेश के राजनीति विभाग के साथ समन्वय और सहयोग को बढ़ाए। मार्च 1951 में इसे पीएम ऑफिस का हिस्सा बना दिया गया और जवाबदेही प्रधानमंत्री को तय कर दी गई। तब से लेकर आज तक मोसाद कई ऐसे मिशन को अंजाम दे चुकी है जिसको करने के बारे में दुनिया की कई एजेंसियां सोच भी नहीं सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मोसाद के किए गए कुछ बेहतरीन कोवर्ट ऑपरेशन के बारे में बताने वाले हैं। नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ एक्मन का अपहरण। मोसाद ने अर्जेंटीना में 11 मई 1960 को एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि अर्जेंटीना की सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल मोसाद ने दुनिया के कई हिस्सों में नाजी अधिकारियों की हत्याएं करवाई थी। इनमें सबसे सनसनीखेज मामला नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ एक्मन का था। मोसाद के एजेंटों ने अर्जेंटीना से एक्मन का अपहरण किया और उसे इसराइल लाकर मुकदमा चलाया। इस मिशन को इसराइल के 5 एजेंटों ने अंजाम दिया था जिसने नाम बदलकर अर्जेंटीना में छिपे एडोल्फ एक्मन को ढूंढ निकाला। एक्मन को पकड़ने के बाद एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाकर उसकी पहचान सुनिश्चित की गई। उसके बाद टीम उसे गुपचुप तरीके से इसराइल लेकर आ गई। एक्मन को गुप्त स्थान पर ले जाकर उसी नाजी सेना की टोपी पहनाकर उसकी पहचान सुनिश्चित की गई थी। इसराइल एयरलाइंस के एक विमान से उसे गुप्त रूप से तेल अवीव लाकर मुकदमा चलाकर सजा दी गई। यासिर अराफात के करीब को मारी 70 गोलियां। इसराइल और फिलिस्तीन की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। मोसाद ने फिलिस्तीन के प्रसिद्ध नेता रहे यासिर अराफात का दाहिना हाथ कहे जाने वाले खलील अल वजीर को ट्यूनीशिया में उसके परिवार वालों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया था। खलील को अबू जिहाद के नाम से भी जाना जाता था। ये फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों का मुखिया माना जाता था जिसके इशारे पर इसराइल में कई हमले भी हुए थे। इस मिशन को मोसाद के 30 एजेंट्स ने अंजाम दिया था। ये एजेंट एक एक कर टूरिस्ट बनकर ट्यूनीशिया पहुंचे जहां उन्होंने अबू जिहाद के घर का पता लगाकर उसके परिवार के सामने 70 गोलियां मारी थी। उस वक्त ट्यूनीशिया के आसमान में उड़ रहे इसराइली प्लेन ने सभी कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ब्लॉक कर दिया था। ऑपरेशन थंडरबोल्ट कर दिखाया दुनिया को दम। मोसाद के इतिहास में ऑपरेशन थंडरबोल्ट एक ऐसा ऑपरेशन था जिसको सिर्फ मोसाद ही अंजाम दे सकती थी, क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन प्लानिंग की गई थी और इसी वजह से मोसाद ने इसराइल से 4000 किलोमीटर दूर युगांडा में इस मिशन को अंजाम दिया था। 27 जून 1976 को इसराइली यात्रियों से भरी फ्रांस के एक यात्री विमान को अरब के आतंकियों ने अपहरण कर लिया था। तब मोसाद ने अपनी ताकत और बुद्धिमानी के दम पर हजारों किलोमीटर दूर स्थित देश से अपने 94 नागरिकों को सुरक्षित वापस निकाल लाया था। युगांडा के एतेम्बे हवाई अड्डे पर मोसाद के ऑपरेशन को आज भी पूरी दुनिया में सबसे सफल हाईजैकर्स मिशन माना जाता है। इस ऑपरेशन में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई जोनाथन नेतन्याहू भी शामिल हुए थे। हालांकि उनकी ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी।